once again. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड छाया। फ्रेंड्स, हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से ही उपटन का यूज़ किया जाता है। पहले दुल्हन का रूप निकालने के लिए भी हम उपटन का यूज़ करते थे। पहले पार्लर में जाकर प्री ब्राइडल वगैरह नहीं होता था और दुल्हन के फेस पर जो ग्लो आता था, अब वो पार्लर जाकर भी नहीं आता। आज मैं आपको वही पारंपरिक उपटन बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इसका यूज़ करके आप अपने चेहरे पर दुल्हन के जैसा निखार ला सकते हैं। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप इसे अभी भी कर सकते हैं। आपको किसी पार्टी में जाना हो, आप उससे पहले भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसे आपको कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट करें शुरू करते हैं। मैंने लिया एक खाली बाउल। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन डेड स्किन सेल्स को निकालता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा, 2 से 3 चम्मच रॉ मिल्क। रॉ मिल्क स्किन पर लगाने से स्किन शाइनी हो जाती है, ये हमारे स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है। रॉ मिल्क से हमारी स्किन को नमी भी मिलती है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी या तो घर की पिसी होनी चाहिए या कस्तूरी हल्दी का यूज़ करें। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप कच्ची हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नारियल का तेल। यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल हमें उतना ही डालना है जिससे कि हमारा पेस्ट स्मूथ सा बन जाए। अच्छे से मिलाइए। देखिए हमारा उपटन अब तैयार हो गया है। हमें इसे थिक्की रखना है। मैं आपको इसे लगा के दिखाऊंगी। अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। हम इस उपटन को हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में लगाएंगे। आपको इसकी मोटी लेयर लगानी है। पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। बहुत बार हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से चिन पर भी हेयर हो जाते हैं, इधर भी आपको हेयर की डायरेक्शन में अप्लाई करना है। इसे आपका स्किन टाइप कोई भी हो, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। देखिए मैंने लगा लिया। हमें इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। हमें इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, हल्का सा गीला रहने देना है। अब आपके बालों के ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे निकालना है। ऐसा करने से आपकी डेड स्किन सेल्स भी निकल जाएगी, स्किन पर निखार आएगा। इसे आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लिप सर्वी आप इस तरह धीरे धीरे उपटन को निकालिए। इसके साथ जो आपके फेशियल हेयर होंगे वो भी निकल जाएंगे। धीरे धीरे अपने पूरे फेस के उपटन को आप इसी तरह निकाल दीजिए। चिन पर भी आपको फेशियल हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। इससे आपकी टैनिंग भी दूर होगी। देखिए मैंने उपटन अपना निकाल लिया है। मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। देखिए मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद आपको कोई मॉइस्चराइजर यूज करना है। मैं बाजार के मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती हूँ। मैं एलोवेरा जेल में 1 ड्रॉप ग्लिसरीन का डालकर यूज करती हूँ। आप भी इसे ट्राई करके देखिए। बाजार के मॉइस्चराइजर यूज करना भूल जाएंगे आप। इसे आपको भी फेस पे अप्लाई कीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था ग्लिसरीन के यूज के बारे में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए।
पता नहीं फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा या नहीं, पर मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा है अभी। फ्रेंड्स इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ को कम करता है। जब इसे बालों के अपोजिट साइड में निकालते हैं तो हमारे रोए निकल जाते हैं। इसका रेगुलर यूज करने से हमारी फेशियल हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। ये हमारे एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि एक्ने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये हमारी स्किन पर ग्लो लाता है। ये एक बहुत अच्छा स्क्रबर और बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर ही नहीं है, ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है। इसका यूज करने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होती है। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसका आपके ऊपर क्या रिजल्ट रहा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, यह मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।